हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ तुलिका और कुक विद तुलिका में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी सा चीजी वेजेस। आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार खाना पसंद करेंगे और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए आज की इस आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक तवे पे थोड़ा सा बटर डाला है और उस पे रेड वाले जो बेल पेपर होते हैं वो डाला है। इसे हमें हल्का सा सॉटे करना है, ज़्यादा इसे हमें कुक नहीं करना है। और मिर्च के ऊपर ही हमें थोड़ा सा नमक डाल देना है। अब रेड बेल पेपर जो है सॉटे हो चुका है, अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और फिर सेम तवा पर मैं थोड़ा सा और बटर डालूंगी और उसमें ग्रीन वाले कैप्सिकम जो है उसको भी हल्का सा हमें सॉटे कर लेना है और इसके ऊपर भी थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर देंगे ताकि हर सब्ज़ी में जो है सो एक नमकीन नमकीन सा फ्लेवर आए, नहीं तो फिर वो पानी पानी जैसे लगने लगते हैं। और फिर ये भी अब ग्रीन वाले कैप्सिकम भी फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे भी एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अब यहाँ मैंने तवे पर फिर से थोड़ा सा बटर लिया है और उस पर मैंने 4 स्लाइस पनीर के डाला है और इसे भी मैंने हल्का सा सॉटे कर लिया है, इसे भी एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब सेम तवा पर मैंने फिर से थोड़ा सा बटर लिया है और इसके ऊपर मैंने प्याज डाला है, प्याज को भी हल्का सा हमें सॉटे करना है। मैंने प्याज के ऊपर भी थोड़ा सा नमक डाला था, ये शायद स्किप हो गया है, तो प्याज के ऊपर भी थोड़ा सा नमक ज़रूर डालें और फिर इसे भी हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। किसी भी सब्जी को हमें ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। अब इसी तवा पर फिर से हम थोड़ा सा टमाटर डालेंगे और इसे भी हम हल्का सा सॉटे कर लेंगे, इसके ऊपर भी हम चुटकी भर नमक डालेंगे और इसे हाई फ्लेम पर हमें सेकना है, नहीं तो ये पानी छोड़ने लगेगा। और फिर इसे भी एक प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब चलिए इसके आगे का प्रोसेस करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पत्ता गोभी का जो है वो पत्ता लिया है और उसके ऊपर मैंने एक टमाटर, थोड़ा सा ग्रीन कैप्सिकम, रेड बेल पेपर, ऑनियन, पनीर, उसके ऊपर मैंने हर्ब्स डाला है, चिल्ली फ्लेक्स डाला है, थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर नमक ऐड किया है और फिर इसके ऊपर ब्लैक पेपर और चाट मसाला ऐड किया है और सबसे ऊपर मैंने इसके एक चीज़ स्लाइस डाला है और चीज़ स्लाइस के ऊपर भी मैंने थोड़ा सा हर्ब्स और चिली फ्लेक्स डाला है। इस तरह से सारे वेजेस को हमें तैयार कर लेना है, फिर तवे पर थोड़ा सा बटर डालेंगे और सारे वेजेस को इस पर डालकर ढक देंगे और इसे सीम आंच पर 2 से 3 मिनट तक कुक होने देंगे। 2 से 3 मिनट में आप देख सकते हैं कि सारे चीज़ जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुके हैं, तो आप इसे अब खा सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।